extension program planning model. Sandhu in 1965 developed the model for planning extension and rural development programs. जो भी extension development, extension and rural development program है उसका जो planning का model है वो संधु ने 1965 में दिया था, जिसमें 6 phases है. So first phase is organization for planning, second is planning process, third planned program, fourth plan of work, fifth is execution of plan of work and sixth is evaluation of accomplishment. So ये 6 phases है जिससे जिस accordingly extension program planning model बनाया जाता है. So first is the organization for planning. The concept of involving potential custom is the planning of extension program has received the widespread acceptance. मतलब जो भी extension program में planning जो है वो एक potential custom बना है जो widespread accept होता है. So in this process, involvement of people in making decision about educational objectives not only results in better decision about the educational objectives but also spreads up the process of educational change. जब भी हम एक educational process, educational activity करते हैं तो उसमें अगर हमने people, उसके decisions लेने में अगर हम people को involve, लोगों को involve करते हैं, उस community के लोगों को involve करते हैं, तो उससे क्या है, ना ही सिर्फ result अच्छा आता है उसका, बल्कि जो भी हमारे उस program के objectives है वो भी अच्छे से achieve होते हैं और जो भी process है उस program के process है वो भी speed up होते हैं. So by participating in analysis of local situation, the people's representatives are better informed and are better prepared for positive action. जब भी extension, कोई extension activity हम कर रहे हैं, उसके पहले हम situation का analysis करते हैं. तो उस local situation analysis में अगर हमने people उस जगह के जो representatives है, people लोगों के representatives है, उनको हमने शामिल किया उस process में, तो उससे क्या होता है कि उन्हें उस एरिया के बारे में बेटर इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो इंफॉर्मेशन एक्सटेंशन वर्कर के साथ शेयर करते हैं, जिससे वो आगे आगे जो हम प्रोग्राम डेवलप करने वाले हैं उसमें उसका बेनिफिट मिलता है. द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेट अप. हम अगर प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन ला रहे हैं, मतलब लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो कैसे करने चाहिए उसके लिए कंडीशंस है. पहले ऑल सोशल सिस्टम्स एंड सोशल इंटरेस्ट ग्रुप्स आर आइडेंटिफाइड. सो व्हेनेवर वी ऑर्गेनाइज अ कमिटी हु विल प्लान अबाउट द एक्सटेंशन प्रोग्राम, वहां पे ऑल सोशल सिस्टम्स एंड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स फर्स्ट वहां आइडेंटिफाई करना पड़ता है. सेकेंड, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमिटी रिप्रेजेंट ऑल मेजर इंटरेस्ट ग्रुप, वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशल लेवल ऑफ पीपल, मेजर वोकेशंस ऑफ लोकेलिटी एंड अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द एरिया. हमने पहले तो जिनके लिए ये प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, जिस ग्रुप के लिए, जिस कम्युनिटी के लिए डेवलप कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद में जो प्लानिंग कमिटी बनती है तो उसमें ये सारे जो हमने इंटरेस्ट ग्रुप, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप और सोशल सिस्टम आइडेंटिफाई की है उसके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमिटी में रहने चाहिए. ईच मेंबर ऑफ प्लानिंग कमिटी क्लियरली अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द ग्रुप. जो भी प्लानिंग कमिटी में मेंबर है उनमें ये सारे चीजें क्लियर होनी चाहिए. कौन सी चीज, पहले तो पर्पज, ये ग्रुप बनाने का पर्पज क्या है, हाउ द ग्रुप शुड फंक्शन इन अटेंडिंग द पर्पज एंड इंडिविजुअल रोल ऑफ द मेंबर्स. ये तीनों चीजें हर एक मेंबर जो होगा प्लानिंग कमिटी का उसे मालूम होने चाहिए. देन मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमिटी हैव बीन इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और कोऑप्टेड बाय एप्रोप्रिएट डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स. जो भी प्लानिंग कमिटी के मेंबर्स है वो आइदर इलेक्टेड होने चाहिए, नॉमिनेटेड और कोऑप्ट, दैट इज बाय डिसीजन ऑफ एवरीवन दे आर ऑप्टेड, दैट इज, सो दिस इज बाय द डेमोक्रेटिक प्रोसीजर. सो दीज आर द कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमिटी. नेक्स्ट इज द प्लानिंग प्रोसेस. प्लानिंग प्रोसेस में सब डिविजन्स आते हैं. पहला तो है रीचिंग अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर, रोल्स एंड टाइम शेड्यूल्स. सेकेंड इज एनालिसिस सिचुएशन. थर्ड, डिटरमाइनिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव. फोर्थ, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फिफ्थ इज फाइंडिंग सोल्यूशन. सो प्लानिंग प्रोसेस में पहले क्या होता है, पहले तो रीचिंग अंडरस्टैंडिंग जो भी प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर, रोल्स और टाइम शेड्यूल है प्रोग्राम की उसके बारे में पूरी जानकारी देना, वो पहला स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस में. सो इट इज नेसेसरी दैट ऑल द स्टाफ एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आर फैमिलियर विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग.
फॉर द पर्पज ऑफ क्लैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन. जो भी प्रोग्राम प्लानिंग के प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स है वो हर एक मेंबर को पता होना चाहिए. द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेड इन ऑर्डर टू फुलफिल द स्पिरिट ऑफ दिस स्टेप. ये स्टेप फुलफिल करने के लिए कंडीशन क्या है, पहले तो क्लियरली डिफाइंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एंड रोल ऑफ ईच मेंबर इज गिवन बाय द प्लानिंग कमेटी. प्लानिंग कमेटी ने हर एक का इंडिविजुअल रोल और उसका प्रोग्राम का पर्पज क्या है वो हर एक मेंबर को क्लियरली बताना चाहिए. देन द ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल एक्सटेंशन वर्कर्स एंड प्रोग्राम प्लानिंग कमेटी हैव अंडरस्टूड जो कौन से चीजें उन्हें पता होनी चाहिए. पहले तो रोल ऑफ एक्सटेंशन वर्कर इन ए प्रोग्राम प्लानिंग, रोल ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग कमिटी मेंबर्स, द पर्पज ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, प्रिंसिपल टू बी केप्ट इन व्यू एंड टाइम शेड्यूल टू बी फॉलोड. ये सारी चीजें हर एक प्लानिंग कमिटी के मेंबर और जो भी एक्सटेंशन वर्कर्स है ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के वो हर एक को ये चीजें मालूम होनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस. सेकेंड इज द एनालिसिस ऑफ सिचुएशन. सिचुएशन एनालिसिस इन्वॉल्व्स कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स. गुड प्लानिंग डिपेंड्स ऑन द अवेबिलिटी ऑफ एडेक्वेट एंड रिलायबल डाटा एंड साइंटिफिक एलाब्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम. मतलब जो भी जिस एरिया में एक्सटेंशन प्रोग्राम हम करने वाले हैं उस एरिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जो भी वहाँ के फैक्ट्स है फिगर्स है उस एरिया के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करके एनालिसिस करके उसके बारे में उस सिचुएशन के बारे में वहाँ के सिचुएशन के बारे में इंटरप्रिटेशन करना. अगर ये सारा एग्जैक्टली हो गया तो ही हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा. सो द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स ऑन द एडेक्वेट एंड रिलायबल डाटा. जो भी उस एरिया का एडेक्वेट और रिलायबल डाटा अगर एक्सटेंशन वर्कर या प्लानिंग कमेटी के पास होगा तो ही हमारा प्लानिंग जो होगा वो फ्रूटफुल होगा. द क्राइटेरिया शुड बी मेड इन ऑर्डर टू एंश्योर दिस स्टेप्स आर फर्स्ट फैक्ट्स नीडेड टू इवेल्युएट द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर प्रोग्राम्स आर कलेक्टेड. एक्सटेंशन प्रोग्राम अगर हम न्यू एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले कौन से प्रोग्राम्स उस एरिया में इम्प्लीमेंट किए थे और उसने वहाँ पे क्या अचीव किया कैसे अचीव किया उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. देन लोकल फैक्ट्स नीडेड टू डिफाइन द करेक्ट एंड प्रोजेक्टेड नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लोकल एरिया. जो भी उस लोकल एरिया के प्रॉब्लम्स हैं उनके इंटरेस्ट किस में है कौन से उनके अर्जेंट नीड्स है वो सारे उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. देन द बेसिक फैक्ट असेंबल्स एंड कलेक्टेड अबाउट द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्टेड. एंड द मेजर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द एरिया विच आर विद इन द स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर आइडेंटिफाइड. सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन द एनालाइजिंग ऑफ द सिचुएशन. थर्ड इज द डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव. इट इज एसेंशियल इन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस दैट बिफोर डिसाइडिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स टू बी अंडरटेकन बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम्स आर डिटरमाइंड बाय द विलेजर्स इन द कंसल्टेंस विद द एक्सटेंशन स्टाफ. तब प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट होते ही पहला काम क्या होता है कि जो भी एक्सटेंशन प्रोग्राम हो हम बनाने वाले हैं उसमें उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो विलेजर्स अलॉन्ग विद द एक्सटेंशन स्टाफ ये डिसाइड करे. तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए पहले तो ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिटरमाइंड रिलेटिंग टू मेजर प्रॉब्लम नीड और इंटरेस्ट एज डिटरमाइंड बाय प्रोग्राम प्लानिंग कमिटी एंड बोथ इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैव बीन डिटरमाइंड. पहले तो प्रॉब्लम्स की लिस्ट मेजर प्रॉब्लम्स की लिस्ट उसमें लोगों का इंटरेस्ट किस में है और बोथ इमीडिएट प्रॉब्लम्स कौन से और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो दोनों भी डिटरमाइन करना. ये थर्ड स्टेप है डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव. फोर्थ है सिलेक्ट द प्रॉब्लम्स विद द ड्यू रिगार्ड्स टू प्रायोरिटीज. जो भी प्रॉब्लम्स लिस्ट किए हैं उसमें प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करके वहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन एनालिसिस. जो हमने सिचुएशन एनालाइज किया है पहले उसके आधारित पे ही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और इस जो भी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए उसमें अर्जेंट कौन से प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन ढूंढना है वो क्लासिफाई किया जाता है. दैट इज विल गिव प्रायोरिटीज टू द प्रॉब्लम्स. नाउ वंस द प्रॉब्लम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इट इज डिजायरेबल दैट दे आर प्रॉपरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइडेड है. पहले तो प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व बाय पीपल देमसेल्फ विथ नो आउटसाइड फाइनेंशियल एड्स. तो प्रॉब्लम्स अगर 10 प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं तो पहली कैटेगरी कौन सी होगी प्रॉब्लम्स
जो विदाउट आउटसाइड हेल्प जो उन्हें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाहर के फंडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो प्रॉब्लम्स, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकेंड कैटेगरी, प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व विद पीपल विद द एड ऑफ पंचायत समिति, जो लोग वहाँ के लोग ही खुद सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ पंचायत, दैट इज ग्राम पंचायत समिति जो है उनकी हेल्प के थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड प्रॉब्लम्स विच कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट फंड्स की जरूरत है। तो ऐसे तीन कैटेगरीज में वो जो 10 प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किए वो हमें क्लासिफाई करने पड़े। द फॉलोइंग कंडीशन विल एग्जिस्ट व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस स्टेप हैव बीन एडेक्वेटली मेट, ये स्टेप कब पूरा हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम मोस्ट फेल्ट एंड ऑफ वाइडेस्ट कंसर्न आर सिलेक्टेड बाय द एक्सटेंशन एजेंट्स एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, अगर 10 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए तो उसमें अर्जेंट सोल्यूशन किस प्रॉब्लम पे ढूंढना है वो आइडेंटिफाई जब हम करते हैं तो ये स्टेप कंप्लीट होता है। देन सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू फैमिली, कम्युनिटी, ब्लॉक एंड सिचुएशन, एक फैमिली के ये जो भी इस कम्युनिटी का ब्लॉक है, सिचुएशन और फैमिली, वो सबसे ये रिलेट होना चाहिए प्रॉब्लम। एंड फॉर टैकलिंग द सिलेक्टेड प्रॉब्लम टाइम इज शेड्यूल्ड ऑन द ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी बेसिस, जो भी प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ उसे टाइम दिया है, उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। दिस इज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ इज द फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, अब हमने प्रॉब्लम्स तो लिस्ट किया, उसमें से प्रायोरिटी किसको देनी वो भी डिसाइड किया, अब उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये नेक्स्ट स्टेप। द विलेज लेवल वर्कर्स एट विलेज लेवल एंड कंसर्न एक्सटेंशन ऑफिसर एट ब्लॉक लेवल आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज हु एडवाइज द विलेज फैमिलीज एंड द विलेज इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स, जो भी हमने प्रॉब्लम्स पहले स्टेप पिछले स्टेप में आइडेंटिफाई किए हैं उस प्रॉब्लम्स को विलेज लेवल वर्कर और एक्सटेंशन ऑफिसर्स जो होते हैं वो सॉल्यूशंस देते हैं। देन द अदर एक्सटेंशन ऑफिशियल्स एट वेरियस लेवल्स दे मे जॉइन विद द टीम इन द फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। एक्सपीरियंसेस ऑफ द फार्मर्स एंड सजेशंस ऑफ द स्पेशलिस्ट विल ऑल्सो हेल्प इन अराइविंग द एट द जॉइंट डिसीजन, यहाँ पे सिर्फ स्पेशलिस्ट ही नहीं बल्कि जो एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स है वो भी यहाँ पे सजेस्ट करके इजिली सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। Then the when we can say this step is carried out when all the available research findings in the state are collected and projected, that is block level and district level specialist make the suitable solution to the problem according to the research findings, then we said that this step is accomplished. Then third phase of model is planned program. Now as Ligon has pointed out, it is utmost important that staff and the people in each area not only develop an extension program but also prepare the program in the written form that is readily understood and suitable for obtaining approval and use as a guide for officials and non-officials. So Ligon's ne kya point out kiya hai ki sirf dimag mein extension program develop karna hi nahi balki wo paper pe hi sab kuch jo plan kiya hai wo paper pe aana chahiye, jisse kya ho jayega jo bhi government offices se hame approval lena hai usse bhi aasani ho jayegi, aur ये जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं वो हर एक मेंबर, जो भी प्लानिंग कमेटी का मेंबर है, एक्सटेंशन प्रोग्राम एक्टिविटी कंडक्ट करने का मेंबर है, ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल, उसे एक गाइड होगा जिसके आधारित पे वो उसके एक्शंस डिसाइड करेगा। ना प्रॉब्लम शुड बी स्टेटेड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ फार्म, होम एंड द कम्युनिटी, दे शुड नॉट बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, जो भी हम प्रोग्राम लिख के डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट ऑफ फार्मर, होम और द कम्युनिटी, उसके व्यू से वहां देना पड़ता है, ना कि इन द टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेटेड एट द लोअर लेवल इन द स्पेसिफिक एंड मेजरेबल टर्म्स, दे शुड इंक्लूड डिटेल्स अबाउट द लर्नर्स टू बी रीच्ड, सब्जेक्ट मैटर टू बी थॉट एंड बिहेवियरल चेंजेस टू बी अफेक्टेड। द ऑब्जेक्टिव्स मे ऑल्सो बी स्टेटेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटेंशन पब्लिक, जो भी हम ऑब्जेक्टिव्स वहाँ स्टेट करेंगे वो फार्म जो कम्युनिटी है उसके थ्रू उसके व्यू में भी वहाँ देते हैं और एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन के व्यू में भी स्टेट करना पड़ता है। द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी मेट इन ऑर्डर टू हैव गुड प्रोग्राम स्टेटमेंट, अगर हमें एक अच्छा प्रोग्राम स्टेटमेंट चाहिए तो कंडीशंस क्या क्या है, पहला तो रिटर्न प्रोग्राम शुड बी सुटेबल फॉर यूज ऑफ स्टाफ, प्लानिंग ग्रुप्स एंड अदर इंडिविजुअल और ग्रुप कंसर्न विद द प्रोग्राम्स, वो सुटेबल होना चाहिए कि हर एक मेंबर उसे यूज कर सके।
it should clearly state the important problems or needs identified by the staff and the people in the program process. जो भी problems identify किए वो clearly वहाँ state करने चाहिए. Then it should specify the subject matter related to each objective that is highly significant to the people socially and economically or both, and it should be used as the basis for developing the annual plan of work. जो भी आगे plan of work डेवलप होगा वो इस डॉक्यूमेंट के आधारित पे ही बनाया जाएगा. नेक्स्ट फोर फेजेस प्लान ऑफ वर्क. प्रिपेयरिंग ऑफ प्लान ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्टेड टुवर्ड द सॉल्विंग सिलेक्टेड प्रॉब्लम. इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप. जो भी हमने प्लान किया है अब तक एक्सटेंशन प्रोग्राम को प्लान किया है वो हम कैसे वर्कआउट करेंगे, किस वक्त क्या काम होगा, किस मतलब ड्यूरेशन क्या होगा हमारे और लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज जो होगी वो कैसे जाएगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कैसे रहेगा वो प्लान ऑफ वर्क. सो अकॉर्डिंग टू दैट अवर एक्शंस ऑफ द प्रोग्राम कमिटी विल बी प्लान. सो अ प्लान ऑफ वर्क इज लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज बाय विच द ऑब्जेक्टिव्स दैट हैव ऑलरेडी डिसाइडेड विल बी अचीव्ड. सो द कंडीशंस दैट शुड एग्जिस्ट अ गुड प्लान. अगर एक प्लान हमें एक अच्छा प्लान तब बनता है जब प्लान ऑफ वर्क इज इन रिटन फॉर्म. It has been developed cooperatively by extension workers and people's representative. Written form में होना चाहिए और extension workers और जो people representative है वो दोनों को बैठ के इकट्ठा वो plan of work बनाना है. It identifies the specific educational job to be done. The plan indicates for each educational job जो how it will be done, when it will be done, where it will be done, who will do it, and what people are to be reached. So these are the all questions will be answered in this plan of work, and the subject matter is appropriate considering people's level of interest, knowledge, attitude, and available time and technology. जो भी subject matter है वो लोगों के interest के, उनका knowledge से और attitude और उनके पास time and technology है वो subject matter समझने के लिए. तो ये सारे plan उसके आधारित पे plan बनाना चाहिए. The plan provides the needed training of extension workers and leaders. जो भी एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की ट्रेनिंग उस एक्सटेंशन वर्कर्स और लीडर्स को देनी पहले देने की पड़ेगी और उसके बाद वो ट्रांसफर करेंगे. द स्पेसिफिक चेंजेस टू बी अचीव्ड और एविडेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आर इंडिकेटेड क्लियरली. सो दिस ऑल थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ वर्क. देन ओनली वी से द प्लान ऑफ वर्क इज गुड. नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन फेज. अब तक जो था सब पेपर पे था, अब आ गए वो जो भी पेपर में है वो इम्प्लीमेंट करना. तो पहला क्या होता है, मेक एडवांस अरेंजमेंट ऑफ इनपुट्स एंड टीचिंग एड. इम्प्लीमेंटेशन में पहला काम जो आएगा, जो भी हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए टीचिंग एड्स या इनपुट्स रहेंगे वो अरेंज करना. सो रियलिस्टिक नीड्स ऑफ इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर, सीड्स, क्रेडिट फैसिलिटीज हैव बीन वर्कड आउट जॉइंटली बाय द एरियाज एक्सटेंशन स्टाफ एंड पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस. Needed inputs have procured well in time and stocked at proper place, and teaching aids used by extension workers have been prepared or procured in sufficient quantity well in time. जो भी inputs लगेंगे और teaching aids लगेंगे वो program start होने के पहले ही सब कुछ वहाँ पे arrange करना पड़ेगा. Second is interpret the approved program to the staff and people's representative. जो भी program decide हुआ है, approve हुआ है, वो program जो भी स्टाफ है, प्रोग्राम का स्टाफ है और जो भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आए उन्हें एक्सप्लेन करें. द प्लान ऑफ वर्क इज एक्सप्लेन एडेक्वेटली एंड दे हैव बीन एक्सप्लेन टू ऑल ब्लॉक स्टाफ, ऑल द पीपल रिप्रेजेंटेटिव एंड इम्पोर्टेंट लीडर्स. थर्ड इज कैरी आउट द प्लान ऑफ वर्क. द अप्रूव्ड प्रोग्राम शुड बी कैरीड आउट स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ वर्क एंड इन कोऑर्डिनेटेड मैनर. जो भी प्लान ऑफ वर्क में जैसा प्लान किया, जैसे स्टेप बाय स्टेप दिया है वैसे ही अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए. The success of program depends on the methods used to implement it, and it is ensured that plans for coordination, including calendar of activities within and outside extension agency system, technique, methods, and materials vary appropriate to the situation. The subject matter used was appropriate considering the people and their objectives, and plan for shared responsibilities were followed. When these all conditions are met, then only we can say the implementation of program is successful. Next is last phase is the evaluation of accomplishments. Now evaluation में क्या होता है,
जो भी अब तक इम्प्लीमेंट किया है वो अकॉर्डिंग टू हमारे ऑब्जेक्टिव्स वर्क हुआ है नहीं, जो भी हमने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए थे वो रिजल्ट्स हमने अचीव किए हैं नहीं, वो चेक होता है इवेल्युएशन में. द कंकरेंट एंड एक्सपोस्ट फैक्टर रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव इज असेंशियल फेज ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग. जो कंकरेंट मतलब जो भी जब भी प्रोग्राम हो रहा था वो ड्यूरिंग द व्हेन द प्रोग्राम इज गोइंग ऑन साइड बाय साइड इवेल्युएशन विल बी डन. एंड एक्सपोस्ट इवेल्युएशन मतलब प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद जो इवेल्युएशन होता है उसे हम एक्सपोस्ट कहते हैं. दिस कीप्स द एक्सटेंशन एजेंसी ऑन द राइट ट्रैक एंड हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग मीन्स फ्रॉम एंड्स. इवेल्युएशन से क्या हो जाता है, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें, एक्सटेंशन एजेंसी का प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें मिलता है. एक्सटेंशन इवेल्युएशन एक्टिविटीज शुड बी अंडरटेकन जॉइंटली बाय एक्सटेंशन स्टाफ एंड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल. प्लानिंग एक स्टाफ मेंबर्स और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने की थी, तो इवेल्युएशन भी उन्हें ही इकट्ठा करने पड़ेगी. द कंडीशन दैट विल एग्जिस्ट व्हेन द गाइडलाइंस आर मेट. जब इवेल्युएशन खत्म हो गए तो कंडीशन क्या क्या हो गए, पहले तो इवेल्युएशन प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर ईच ऑफ द फेजेस ऑफ द प्रोग्राम टू बी इवेल्युएटेड एज इंडिकेटेड इन द एनुअल प्लान ऑफ वर्क. ईच फेज ऑफ प्रोग्राम के लिए इवेल्युएशन प्लान डेवलप करना पड़ेगा. एंड द रिपोर्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड इम्प्लीकेशन was made to extension governing group. The governing group is the projecting their plans for extension activities, gave the findings from the report of accomplishment and implications. When this condition is met, we can say sixth phase is completed. Next, we'll see the extension evaluation. The extension program are mostly funded with public money and are planned and implemented by the organization, which in most of the cases the department of government. जो भी extension program plans है वो पब्लिक मनी जो गवर्नमेंट फंड करती है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंडक्ट करते हैं. तो इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द अप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स एंड कंटिन्यूइंग सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, इट इज नेसेसरी दैट मैनेजमेंट एज वेल एज इम्पैक्ट इज प्रॉपरली एंड एडेक्वेटली इवेल्युएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. लोगों का एक्सटेंशन एक्टिविटीज में भरोसा रखने के लिए और आगे उनका सपोर्ट मिलने के लिए ये जरूरी होता है कि पिछले जो प्रोग्राम्स हुए हैं उनके इम्पैक्ट क्या है उसका इवेल्युएशन करना जरूरी होता है. सो द वर्ड इवेल्युएशन इज फ्रॉम लैटिन वर्ड वैलेरे विच मीन्स टू बी स्ट्रॉन्ग और वैलियंट. द डिक्शनरी मीनिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू द स्ट्रेंथ और द वर्थ ऑफ समथिंग. डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू. जो भी एक चीज है उसका वैल्यू क्या है उसे हम इवेल्युएशन कहते हैं. सो इवेल्युएशन व्हेन अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इट इज डिफाइंड एज process of systematic appraisal by which we determine value, worth or meaning of an activity or an enterprise. ये systematic process है जिसमें हम एक activity का worth या meaning value हम evaluate, we determine the value of some activity. It is method of determining how far an activity has progressed and how much further it should be carried to accomplish the objectives. जो भी एक्टिविटी है उसका प्रोग्रेस कितना हुआ है और आगे कितना उसे हम कैरी कर सकते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. दस टू एन एक्सटेंशन वर्कर इवेल्युएशन मींस डिटरमाइनिंग द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सटेंशन प्रोग्राम्स इन ऑर्डर टू नो द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड एंड व्हाई एंड व्हाट चेंजेस वुड बी नीडेड इन केस ऑफ प्रोग्राम इज प्लान्ड अगेन एंड और इन इट्स इम्प्लीकेशन. सो एक्सटेंशन वर्कर के लिए जो इवेल्युएशन है वो क्या ये उनको डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है कि जो भी उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किए वो किस हद तक अचीव हुए हैं और जो अगर अचीव नहीं हुए हैं तो उसमें ड्रॉबैक्स क्या है और अगर सेम प्रोग्राम फिर से प्लान करना पड़े कर रहे हैं तो उसमें उन्हें कौन से चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें इवेल्युएशन से पता हो चलते हैं. So Taylor developed two basic notations regarding educational evaluation, which are equally applied to the extension evaluation. Taylor ने educational evaluation के बारे में two basic notations दिए थे जो extension evaluation में भी apply होते हैं. So the process of evaluation is essentially a process of determining the behavior of people covered under the program and the process of determining the degree to which these behavioral changes are actually taking place. जो बिहेवियर ऑफ पीपल उस प्रोग्राम के अंदर जिस कौन से बिहेवियर लोगों में
क्या बिहेवियर चेंजेस आने वाले हैं, कौन से बिहेवियर पे फोकस किया जाता है वो डिटरमाइन करना, और किस हद तक वो चेंजेस बिहेवियरल चेंजेस अचीव किए गए उस प्रोग्राम के वजह से वो डिसाइड करना. सो दस एक्सटेंशन इवैल्यूएशन में बी सेड टू प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द बिहेवियरल चेंजेस ऑफ पीपल रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सटेंशन प्रोग्राम्स. वंस इवैल्यूएशन बिकेम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन मैनेजर स्टार्टेड अप्लाइंग दिस प्रोसेस टू इवैल्यूएट प्रोग्राम प्लानिंग मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम. तो जो एक्सटेंशन इवैल्यूएशन जो है अब एजुकेशन प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट हुआ है, और अब इवैल्यूएशन जो है प्लानिंग में, मैनेजमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन, ये तीनों एस्पेक्ट में इवैल्यूएशन किया जाता है. देन नेचर ऑफ इवैल्यूएशन, फर्स्ट इवैल्यूएशन इज नॉट मेजरमेंट, दिस इवैल्यूएशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन. ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटेंशन वर्क नीड टू बी इवैल्यूएटेड, बट इवैल्यूएशन डज नॉट मीन्स द मेजरिंग ऑफ अचीवमेंट्स which is usually done after the program is executed. यहाँ पे evaluation मतलब achievement, programs के achievement measure करना नहीं है, बल्कि extension education process में it is necessary to evaluate the management of the program. जो भी plan of work उन्होंने decide किया था, उस plan of work के according काम हुआ है या नहीं, जो भी उन्होंने objectives बोले थे वो objectives achieve किए गए हैं नहीं, और ये जो इवैल्यूएशन का वो डिटरमाइन करने उससे हम इवैल्यूएशन करते हैं, ना कि उसके अचीवमेंट्स को मेजर करना. यहाँ पे सक्सेस और फेलियर दोनों का भी स्टडी किया जाता है इवैल्यूएशन. देन इवैल्यूएशन इज नॉट एग्जैक्टली साइंटिफिक रिसर्च. व्हेन वी थिंक इवैल्यूएशन एज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एज बेसिस फॉर मेकिंग डिसीजन, फॉर्मिंग जजमेंट्स एंड ड्रॉइंग कंक्लूजन, वी आर रियलाइज दैट इट हैज मच कॉमन विद द साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च में भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम जजमेंट देते हैं और हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन इवैल्यूएशन और साइंटिफिक रिसर्च सेम नहीं है. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मैटर ऑफ डिग्री रादर देन काइंड. दैट इज कैजुअल एवरीडे इवैल्यूएशन कैन बी प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द स्केल एंड साइंटिफिक रिसर्च ऑन द अदर एंड. देयर आर फाइव लोकेशंस ऑन द स्केल विद नो शार्प लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन. दैट इज कैजुअल everyday evaluation, self-checking evaluation, do-it yourself evaluation, extension evaluation studies and scientific research. So these are the different aspects and they are not the same. Then we'll see different types of evaluation. First is self-evaluation. Self-evaluation matlab this is carried out by every worker as matter of routine. खुद का इवैल्यूएशन करना, एक इंडिविजुअल अपना खुद का जब वर्क इवैल्यूएट करता है, उस हम मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या अचीव करना सोचा था और मैंने किस हद तक वो ऑब्जेक्टिव्स गोल्स अपने अचीव किए हैं, वो खुद का गोल्स को अचीव किए है नहीं जब इवैल्यूएट करता है, तो उसे हम सेल्फ इवैल्यूएशन कहते हैं. दिस रिक्वायर्स सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड विच इज सो असेंशियल फॉर एक्सटेंशन वर्कर. बाय दिस सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड the chances of extension worker growing and continuously improving his professional competency become greater. जब extension worker खुद को खुद के जो काम है वो evaluate करता है with the critical attitude, अगर वो wrong fail हुआ है कुछ चीज में तो वो failure accept करता है, तभी उसके progress में उसका progress और ज्यादा अच्छे से होता है. Next is the internal evaluation. Evaluation carried out by the agency responsible for planning and implementation of program. Internal evaluation मतलब जो agency extension program plan किया है और implement जिस agency ने किया है, वही agency evaluation अगर कर रही है तो उसे हम internal evaluation कहते हैं. Some of the other methods for internal evaluation are systematic use of diaries and reports of the worker, planned visits of staff members to work spot, use of special questionnaire and perform a for observation and inquiry. These are the example for the internal evaluation. External evaluation matlab evaluation conducted by a person or the committee outside the area of operation. Jo bhi hum agar ek area mein humne extension program arrange kiya hai, to us agent jis agency ne arrange kiya tha us agency ke bahar kya aur us area of operations se bhi bahar ka ek either individual और committee आके उस program के evaluate जब करते हैं तो उसे हम external evaluation कहते हैं. One of the strong feature of Indian community development program is that simultaneous with the start an independent agency, namely program evaluation organization was established, and this will
evaluate the progress of the extension program. Now, evaluation can also be classified as concurrent and ex post facto evaluation. That is, concurrent evaluation मतलब जब भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है आपको साइड बाय साइड उसका इवेल्युएशन होता है, और ex post facto मतलब after the completion of the program जो इवेल्युएशन होता है उसे हम ex post facto evaluation कहते हैं. Then extension evaluation process, there are different steps. First is formulate the evaluation objectives. The specific objectives to be achieved through evaluative process must be clearly and adequately identified and started, and all further efforts should be need around this objective. Evaluation process start करने के पहले ही evaluation के objectives क्या है वो state करना. Second, classify the program objective. It is assumed that each extension program when formulated and implemented will have specific well-defined objectives. Since evaluation is basically a process of determining the extent to which extension teaching activities have organized and managed and extent to which they have contributed to achieving the goals program objectives. So, जो भी उन्होंने programs के objectives पहले ही define किए थे वो किस हद तक achieve किया है उसका ही measurement है evaluation. So, each जो भी ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम के थे वो ऑब्जेक्टिव लिस्ट करना, दैट इज क्लासिफाइंग द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव. थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स. नाउ हाउ वी विल अंडरस्टैंड द जो भी हमने ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव है वह हमने लिस्ट देख ली, लेकिन अगर पहला ऑब्जेक्टिव है कि हेल्प सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एजुकेट फार्मर अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी. To educate farmer about the new technology है हमारा पहला objective था. तो इस objective achieve हुआ है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा indicator से. तो इस objective का indicator क्या होगा, क्या वो technology farmer ने अपने farm पे implement की है नहीं. So that is the indicator for the achievement of this objective. So such indicators need to be identified before the starting of evaluation. हर एक objective achieve किया है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो दैट इज थ्रू द इंडिकेटर्स, एंड सच इंडिकेटर्स हैव टू बी आइडेंटिफाइड बिफोर द इवैल्यूएशन स्टार्ट्स. नाउ डिसाइड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड. नाउ टू फाइंड आउट, नाउ वी हैव स्पेसिफाइड द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर जिस इंडिकेटर से हमें पता चलेगा वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हमें कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए. दैट इज फॉर एग्जाम्पल इट इज रिलेटेड टू सम टेक्नोलॉजी, तो वो टेक्नोलॉजी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है या नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए. सो वंस द इंडिकेटर ऑफ फॉर इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोग्राम हैव बीन इंडिकेटेड, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड मे बी वर्कड आउट. दैट इज सिंस देयर इज यूजुअली मोर इन्फॉर्मेशन देन द एक्सटेंशन वर्कर कैन कलेक्ट, ही हैज टू बी वेरी डिस्क्रिमिनेटिंग अबाउट द काइंड एंड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी कलेक्टेड, एंड टाइमिंग फॉर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन मे ऑल्सो बी स्पेसिफाइड. नेक्स्ट इज द सैम्पलिंग. The purpose of sampling is that to take relatively small unit of numbers from population in such a way that evidence is collected from them and they become the representative evidence for the entire population. हर एक ना huge area में extension program activities होते हैं, तो हर एक का survey हर एक farmer का survey करना possible नहीं होता, तो उस वक्त क्या होता है sampling की जाती है, और थोड़े among suppose there are 100 participants तो on ओनली 20 फार्मर्स से 30 फार्मर्स का डाटा कलेक्ट किया जाता है, और उसे सैम्पलिंग करके उसका जो 30 फार्मर्स का रिजल्ट होता है वो ही रिप्रेजेंटेटिव एविडेंस बना. देन डिसाइड द डिजाइन ऑफ एवेल्युएशन इवेल्युएशन. दैट इज एन आइडियल डिजाइन फॉर इवेल्युएशन मे बी द एक्सपेरिमेंटल वन. दिस वुड अलाउ सेपरेटिंग द इफेक्ट ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम अदर फैक्टर, दैट इज बाई सेटिंग द कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ग्रुप्स. सेवरल एक्सपेरिमेंट डिजाइन, दैट इज वन ग्रुप प्रीटेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन स्टैटिस्टिक्स ग्रुप, अलग अलग डिजाइन्स है इवेल्युएशन के लिए, जो उसमें से एक जो डिजाइन है वहां पे डिसाइड पहले ही डिसाइड करना पड़ता है. अवर एक्चुअल प्रैक्टिस एक्सटेंशन प्रोग्राम आर सेल्डम रन इन वे दैट अलाउज एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑफ इवेल्युएशन. इन पायलट प्रोजेक्ट्स इट मे बी पॉसिबल टू यूज एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फॉर इवेल्युएशन बाय एंड लार्ज सर्वे मेथड इन यूज. This method can be used for evaluating ongoing process or and the ex post evaluation of program after the completed. जो भी मतलब evaluation करने के लिए जो भी design है वो पहले से ही decide करना है, इस step का मतलब ये.
सेवेंथ इज द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इवेल्युएशन एविडेंस, जो भी डाटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करना, मतलब हाउ एट हाउ मच परसेंट द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, टू आइडेंटिफाई दिस द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एविडेंस इज डन. एंड नेक्स्ट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स इन प्रॉपर वे, जो भी डाटा एनालिस किया है, जो भी डाटा कलेक्ट किया, एविडेंस कलेक्ट किया है, उसका अच्छे से इंटरप्रिटेशन और प्रॉपर वे में उस रिजल्ट का जनरलाइजेशन एंड रिटर्न रिपोर्ट ऑफ इवेल्युएशन फाइंडिंग शुड बी प्रिपेयर्ड एंड मेड अवेलेबल टू ऑल कंसर्न अथॉरिटीज.